सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए पुलिस पेंशन गोष्ठी का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने अपने स्वास्थ्य जांच कराया। पुलिस पेंशन गोष्ठी की अध्यक्षता एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया। इस मौके पर सीओ लाइन दिनेश कुमार सिंह, आरआई उमेश कुमार दुबे, शिव पूजन यादव सहित सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गोष्ठी में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा उसका तत्काल निस्तारण के लिए एसएसपी से ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी ने बताया कि गोष्ठी में रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के पेंशन, नई पेंशन स्कीम, विनियमितकरण, शस्त्र लाइसेंस संबंधित समस्याएं आई हैं, जिसका निस्तारण अति शीघ्र किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, इसीलिए नामी का दबाव इतना ज्यादा होता है, तनाव ही है सर का। हाँ, सीपी चेक कर ले मेरा। मीटिंग में हम सभी लोग नए वर्कों की बिल पेंडिंग पड़ी रही, पेंडिंग नहीं लिया जाता, लेकिन उसको रुपया लेने का कष्ट करें, उसको भेजें। उनके पेंशन फिक्सेशन की बात थी, जिसमें अभी आप देख रहे हैं बड़े भाव, आप लोगों से बातचीत करके जो इसमें कार्रवाई है वो करेंगे। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो सुविधाएं मिली हुई है वो चार पांच तरह की सुविधाएं हैं। पहली सुविधा तो ये है कि करीब करीब 40-41 सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, LIC, बैंक, रेलवे, एयरवेज के द्वारा आपको सुविधाएं दी गई हैं। कुछ लोग उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग उसका लाभ इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जहां तक मैं जानता हूं, अभी तक रेलवे में तो लोग लाभ उठा रहे हैं, सीनियर सिटीजन के लोग उठा रहे हैं ना, रेलवे में तो सब लोग उठा ही रहे होंगे। 58 साल महिलाओं का है, 60 साल पुरुष जिन्होंने उम्र पूरी कर ली है उनके लिए सीनियर सिटीजन के लिए जो कंसेशन है वो मिल रहा होगा। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान में एयर इंडिया में आप जब यात्रा करेंगे तो उसमें भी आपका 40% कंसेशन का प्रावधान है। पता नहीं जो लोग एयर यात्रा करते हैं उसको अवेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उसमें भी आपको है। तीसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा, कितने लोगों ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खुलवाया है, जरा हाथ उठाएं। जिन लोगों ने खुलवाया हो, अभी खुलवाया नहीं, चलिए एसपी सिंह साहब ने खुलवाया, आपने खुलवाया। इतनी अच्छी स्कीम में अभी तक बहुत सारे लोग वंचित हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको जो है इस समय 7% इंटरेस्ट मिल रहा होगा और जगह, जबकि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8.3% गारंटीड इसमें इंटरेस्ट है और इसको जरूर खुलवाना चाहिए। यहाँ पीएम साहबान से निवेदन करके ये उन्हें करने की कृपा करें कि ताकि वो रजनी कैंप में जानमारी बट है उनको 2 दिन महीने में मात्र 2 दिन के लिए वह अधिग्रहित कर सकते हैं। पीएम साहब चाहें तो इस कार्रवाई को कर सकते हैं और उसे आम जनता को भी जाने में सहूलियत हो। और विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपसे लगातार मैं संपर्क में रहूंगा, मेरे घर के, मेरे दफ्तर के, इवन नाश्ते चलते मेरी गाड़ी के दरवाजे भी खुले हमेशा आपके लिए। आप मुझे रास्ते में हाथ दिखा के रोक सकते हैं, जनाब मैं पेंशनर हूँ, मैं एक्स पुलिसमैन हूँ, मेरी समस्या सुनो। ये मैं सबसे पहले आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ। उसकी वजह है कि मैं भी एक पेंशनर का बेटा हूँ।
और ये मैं इस नौकरी में आने से पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, वो जो ये नौकरी नहीं देख पाए, लेकिन उनकी पेंशन से ही इनकम लीजिए मैं पढ़ा, कुछ तो खुद कमाई, लेकिन उनकी पेंशन आज भी मेरी माता जी को मिलती है, तो मैं पेंशनर को अच्छे से समझता हूँ। ये आपकी क्या दुख तकलीफ है, कितने तरह के अलाउंस होते हैं, ग्रेच्युटी क्या होती है, बहुत सारे अफसरों को नहीं पता होता है ग्रेच्युटी क्या होती है, लीव इनकैशमेंट क्या होता है। अब तो खैर हम लोग को तो मिलने ही नहीं है, हमारे लिए तो सब खत्म ही हो गया, लेकिन आपकी जो समस्या है वो मैं देख रहा हूँ और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मेरे पास कोई 20 एप्लीकेशन है, उसमें 10 जो है वो पेंशन से ही संबंधित है, ये 4 एक जो है कुछ कानून व्यवस्था से संबंधित है, पड़ोसी से ये वो किसी के लिए। हम सब ने भी एक दिन रिटायर होना है, उस भविष्य को देखते हुए हमें आप सबका ख्याल रखना चाहिए, और ऊपर वाले ने यही कहा जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे, तो मैं अपने ऑफिस स्टाफ को यही बोलूंगा जैसा आप बोएंगे वैसा आप रिटायरमेंट के बाद काटेंगे, और हर एक को रिटायर बनाए, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई रिटायर नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लें बड़े बाबू, तुरंत ही आ जाइए, देखें 7-8 है इसमें से कितने अकाउंट्स की हैं और कितने आपकी हैं, और ये झगड़े वगैरह की जो है ये 1, 2, 3, 4 ही हैं, ये मैं पीआरओ साहब को देता हूँ, अभी का अभी पढ़ें, और जब तक ये जाएंगे नहीं मैं अभी आदेश कक्ष में ही बैठूंगा, आप 4 लोगों को रोक लीजिएगा, समस्या का डायरेक्ट सुनवाई करके अभी का अभी इनको हल देना चाहिए। लीडर साहब नहीं आए हैं तो शस्त्र लाइसेंस की 1, 2, 3, 4 और 5 ही हैं, आरआई साहब यहाँ पर होंगे, इसकी जिम्मेदारी आरआई साहब को दे रहे हैं, और आपसे आगे भी निवेदन है कि शस्त्र लाइसेंस के लिए अब शायद ये हट गई है कि इनका सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों भाई कुछ वो फायरिंग का सर्टिफिकेट कुछ इसका नया प्रोविजन आया है बताएं। मुझे सर की डिवरिया जाना पड़ता है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम है, ये हाईकोर्ट के रूल है, हमारे रूल नहीं है कि 5 राउंड फायर करने पर उनको पास दिया जाता है, लेकिन मैंने कोई व्यक्ति ऐसा आया हो जो कह दे कि मैं आरआई साहब के पास गया हूँ उसका लाइसेंस लिया हुआ हो, इवन इसमें से जो भी आए हैं वो ऐसा कोई नहीं है, तो ये सर्वथा गलत होगा कि आपने कहा कि आरआई के द्वारा नहीं किया जाता या नहीं हो पाए। आप केवल आइए मेरे पास लेकिन 14 या 27 को आइए, आप अनावश्यक परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना दे के जाइए और अपना अपने लगे हाथों उसको लेके जाइए। जी एक नियमित बैठक है जो पुलिस के कामकाज का एक हिस्सा है कि हर 3 महीने में एक बार जो है पुलिस पेंशनर्स की मीटिंग ली जाती है, आसपास के लोगों को बुलाया जाता है उनके दुख दर्द समस्याओं को समझने के लिए, पेंशन्स की तकलीफें समझने के लिए, ये एक संगठन का एक कार्य करने की शैली है, और आज मैंने पहली मीटिंग मेरे आने के बाद थी और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएँ बताई, और उनकी समस्याओं में मुख्यतः समस्या है कुछ लोगों का पेंशन का फिक्सेशन है, कुछ का नई पेंशन जो आपकी है आई है स्कीम उसके हिसाब से नियमितीकरण है, कुछ का शस्त्र लाइसेंस है और कुछ का एक आध प्रॉब्लम और है, बाकी काफ़ी हद तक के पेंशनर्स हमारे साथ हैं और सभी लोग ठीक हैं, और इस पर हमने आज दिल खोल करके सब लोगों ने चर्चा करी, और मैं एज ए SSP ना केवल मैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रति उत्तरदायी हूँ बल्कि अपने जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए भी हमारा जो उत्तरदायित्व बनता है वो करा जाएगा, और हमें समाज से ये उम्मीद है सोसाइटी से कि हमारे पूर्व पुलिस कर्मियों को भी उतना ही सम्मान मिलेगा जैसे हम लोगों को मिलता है। जी बिल्कुल, हमारे पास कभी कभी इस तरह की बजटीय सिस्टम भी आता है, और हमने इनसे आह्वान किया कि स्वयं सेवा के रूप में अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है अपनी काबिलियत, जो ये विवेचक के तौर पर रहे हैं, मुंशी के तौर पर कई लोग रहे हैं, अपनी काबिलियत अपने हुनर को हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में देना चाहता है तो हमने उनका भी आह्वान किया। 60-60 साल तक ये नौकरी करते उम्र तक और रिटायर होने के बाद नैतिक जिम्मेदारियाँ भी इनको बनती है, नैतिकता का पाठ पढ़ा इनको। बिल्कुल, मैंने इनको बताया कि आप अपने आप को रिटायर मत समझें, आप एक सोसाइटी के सबसे जिम्मेदार नागरिकों में से एक हैं क्योंकि आपने काफ़ी समय तक की सेवा करी है, तो पुलिस की इमेज सुधारने का भी काम है
पुलिस का जो बाकी कुछ ऐसे काम है जिनसे हम ये हमारे लिए जिनमें ये मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं, क्योंकि इनका अनुभव, इनकी उम्र बहुत हमसे कहीं ज़्यादा है, इन्हें हमसे ज़्यादा पता है। तो हमने वही इनसे गुजारिश करी है, हमने इनसे प्रार्थना करी है कि अपना सहयोग हमको दें। सर, शूटिंग फायरिंग रेंज वाला भी कुछ समस्या है? ये बता रहे हैं शस्त्र लाइसेंस में शायद एक फायरिंग दोबारा कराई जाती, लेकिन अब नए शस्त्र अधिनियम में वो प्राथमिकता ख़त्म कर दी गई है। उसमें ड्राई प्रैक्टिस और सर्टिफिकेट से भी काम चलता है, तो उसकी भी जो समस्या थी वो लगभग रिजॉल्व हो गई है।